सो वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर्स। आज हम इसमें पढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में। मेडिसिनल केमिस्ट्री का हमारा पहला यूनिट वन जो है, तो यूनिट वन में बेसिकली हमारे चार टॉपिक्स में यूनिट वन को हमने डिवाइड कर रखा है। इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन बायोलॉजिकल एक्शन और ड्रग मेटाबॉलिज्म। इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो उसका इंट्रोडक्शन होता है किसी भी चीज़ के, हम जो इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम बताते हैं। हिस्ट्री और डेवलपमेंट में उसका हिस्ट्री क्या थी, कैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री का सब्जेक्ट आया था, क्या क्या हिस्ट्री हुई थी, और डेवलपमेंट में उसको हमने ईयर बाई ईयर कैसे वो डेवलप होता गया हम वो पढ़ेंगे। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है किसी एक ड्रग की, जब वो हमारे किसी बायोलॉजिकल सेल्स मतलब जो हमारे सेल या टिश्यू के संग जब वो इंट्रैक्ट करती है, और जब वहाँ उसमें जो फिजिकल ये प्रॉपर्टीज़ जो होती है उसकी वो देखी जाती है, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो देखी जाती है कि वो सूटेबल है कि नहीं है, और ड्रग मेटाबॉलिज्म में कि वो ड्रग का मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, कैसे कैसे वो ऑक्सीडाइज जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो शो करता है। तो हम पहले इसमें बात करेंगे हमारा यूनिट वन की, जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री, कि मेडिसिनल केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है, मेडिसिनल केमिस्ट्री एक डिसिप्लिन होता है। मेडिसिनल केमिस्ट्री जो होता है केमिस्ट्री डिसिप्लिन होता है, मतलब केमिस्ट्री के सिद्धांतों पे चलता है, और इसमें तीन चीज़ों को मेन होता है, इसमें तीन चीज़ जो होती है वो मेन होती है। पहला हमारा होता है उसमें डिज़ाइन, कि जो हम ड्रग बना रहे हैं उसका डिज़ाइन कैसा है, उसकी डिज़ाइनेशन कैसी है। हम कोई भी चीज़ बनाएंगे तो पहले हमारे माइंड में आता है कि हम उस चीज़ को हम डिज़ाइन कैसे करेंगे। अगर मैं किसी की फ़ोटो बनाऊं तो मुझे पहले अपने ब्रेन में एक उसकी शेप्स जो होती है वो देखनी होती है, उसकी स्ट्रक्चर्स देखने होते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट, कि हम उसको कैसे कैसे डेवलप कर रहे हैं, कि पहले हमने क्या डेवलप किया, उसके बाद हमने उसमें फिर और कुछ जो हमारे फार्मास्यूटिकल एजेंट्स हमने वो डाला तो उससे वो कुछ और चीज़ डेवलप हो गई। तो ऐसे करके हमारा जो डेवलपमेंट है वो डे बाई डे ईयर बाई ईयर डेवलप होता रहता है। उसके बाद होता है सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, मींस जो हमारे फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो होते जैसे एस्पिरिन हो गया, लेवल टोल हो गया, एस्पेरेजिन हो गया, मतलब कि कैसे हम इसको सिंथेसाइज करते, इनको हम बनाते कैसे, कि हमारे इसमें क्या क्या जो कंपाउंड्स है वो क्या क्या कंपाउंड्स हम इसमें रिएक्ट कराते हैं, उसके बाद इसमें क्या क्या हमारे जो ये API जो होते हैं वो हम इसमें ऐड करते हैं, जो हमारे फार्मास्यूटिकल एजेंट्स होते हैं वो हम ऐड करते हैं। ठीक, अब उसके बाद बात आता है कि इंट्रोडक्शन में अब हम इसमें पढ़ते हैं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री होती क्या, मेडिसिनल केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन क्या है। तो अगर हम देखें तो मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है कंबाइन होता है दो सब्जेक्ट से। हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री में दो सब्जेक्ट होती है, एक होती है हमारी केमिस्ट्री प्लस एक होती है फार्माकोलॉजी, केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी की फार्माकोलॉजी जो आइडेंटिफाई करता है, डेवलप करता है और सिंथेसाइज करता है केमिकल एजेंट्स को जो कि थेरापेटिक एक्शंस के लिए यूज किए जाते हैं। मींस जो हम थेरेपी उनको दे रहे हैं उनके लिए जो ड्रग्स यूज जो किए जाते हैं उनके लिए हम उन केमिकल एजेंट्स को सिंथेसाइज करते हैं। इसमें हमारे क्या तीन आए केमिकल, ये केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी से। फार्माकोलॉजी हमारा जो मेडिसिनल वाला पार्ट हो गया, और केमिस्ट्री जो हमारी केमिस्ट्री वाली पार्ट हो गई। तो पहले हमने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई का मतलब कि हमने कोई एक ड्रग जो है हमने पहले एक ड्रग आइडेंटिफाई किया, मान लीजिए ड्रग कह रहा हूँ, मान लीजिए हमने जैसे अभी कोरोना वायरस है तो हमने पहले इसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हमने इसका फिर टारगेटेड साइड आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, उसके बाद हमने देखा कि कैसे कैसे डेवलप हो रहा है, मतलब ये जब हमारे सेल में जहाँ हमारा टारगेटेड साइड है वहाँ पे जाने के बाद ये कैसे कैसे डेवलप हो रहा है। उसके बाद फिर हमने उसके जब हमने उसका आइडेंटिफाई कर लिया, उसका स्ट्रक्चर देख लिया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने देखी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, उसके बाद फिर हमने ड्रग जो है उसको सिंथेसाइज किया, ड्रग जो है हमने ड्रग्स को बनाया। तो वो केमिकल एजेंट्स जब हमने उसमें अप्लाई किया और उससे जो एक थेरापेटिक एजेंट बना, जो थेरापेटिक यूज़ के लिए जो हमारी मेडिसिन बनी, उसको वो इवेलुएट करती है जो प्रॉपर्टीज़ होती है ड्रग्स की, मतलब जो हमने जो ड्रग दिया उसकी उसमें वो प्रॉपर्टीज़ है कि नहीं है उसकी, कि मतलब वो कोरोना वायरस जैसा है हमारे एग्जांपल में बता रहा हूँ, अगर कि वो उसके जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें वो सूटेबल है कि नहीं है, वो उनको किल कर सकती है कि नहीं कर सकती है। सो
आपका कॉम्बिनेशन वाला पार्ट ये हो गया। उसके बाद मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है, एक ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है किसके साथ, डिजाइन ऑफ अ न्यू और बेटर कंपाउंड जो कि मोर थेरापेटिकली एक्टिव हो और डेवलपमेंट जो हो केमिकल्स का वो नए मेडिसिन और ड्रग्स में हो। मतलब अगर हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या हो गया, साइंस की ब्रांच है, हमारे जितनी भी सब साइंस की ब्रांच होती है, हमारे सब्जेक्ट हमारे ईयर में जितनी भी सब्जेक्ट है सब साइंस की ब्रांच की होती है। इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या करती है, ये डील किसके साथ करती है, डिज़ाइन के साथ। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया जो तीन मेन चीज़ होती है, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, सिंथेसाइज, तो ये डिज़ाइन के साथ कि एक नया और अच्छा कंपाउंड जो बना है। मतलब अगर मान लीजिए किसी ने, अगर मैंने एक डेंगू की वैक्सीन बनाई, ठीक, हमारे पास डेंगू की वैक्सीन है, दूसरी कंपनी मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है एक्स करके, उसने भी डेंगू की जो है ये वैक्सीन बनाई, मतलब डेंगू के जो बीमारी उसके लिए उसने भी मेडिसिन बनाई, उसकी वाली जो मेडिसिन है वो उसका जो डिजाइन है वो हो गया और वो उससे ज़्यादा बेटर है। मतलब उसका जो थेरापेटिकली एक्टिवनेस है वो ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा असरदार है पहले वी कंपनी के। तो ये आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में देखा जाता है कि जो नए केमिकल्स, नए मेडिसिन और ड्रग्स जो है वो डेवलप होते हैं, फॉर्म जो होते हैं। उसके बाद मेडिसिनल केमिस्ट्री में मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो केमिस्ट होते हैं, मतलब जो हम फार्मासिस्ट हो गए, वो डील किसके साथ करते हैं, वो बनाते, वो एक नया कंपाउंड बनाते, उसके बाद वो देखते कि ये जो हमने कंपाउंड बनाया, जो हमारे पास जो ड्रग है, ये हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में चेंजेस ला रहा है कि नहीं ला रहा है, जो उसकी केमिकल स्ट्रक्चर होती है उसमें कुछ चेंजेस ला रहा है कि ना ला रहा है, उसका थेरापेटिक एक्शन ज़्यादा है कम है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखती है। कि मान लीजिए अगर हमारे पास, जैसे मैंने बताया अभी आपको वैक्सीन का ही ले लेते, कोरोना की वैक्सीन का, कि क्योंकि अभी ये ट्रेंड में चल रहा है इसलिए मैं इसके ऊपर ही बता रहा हूँ। तो जैसे साइंटिस्ट ने बनाया कोरोना की वैक्सीन, ठीक, तो उसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, पहले उसके पहले उन्होंने देखा कि उसकी बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस की मतलब जब हम वैक्सीन जो इंजेक्ट कर रहे हैं, वैक्सीन जब हम डाल रहे हैं, तो जब वो सेल या टिश्यू पे जा रही है तब वहाँ पे उसका बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या जा रहा है, वो मतलब उसको डिग्रेड कर रहा है, उसको इनहिबिट कर रहा है ग्रोथ को, कि किल कर रहा है, हम वो देखते हैं। उसके बाद हम उसमें चेंजेस लाते हैं उसके केमिकल स्ट्रक्चर में, कि मतलब जो हमने वैक्सीन दी, मान लीजिए अगर हमारी ये वैक्सीन है, ये जब हमने इस कंपाउंड में दिया, तो यहाँ पे हमारा कुछ चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम ये देखेंगे। उसके बाद उसका थेरापेटिक एक्शन देखेंगे, क्योंकि थेरेपी हम देंगे तो थेरापेटिक एक्शन देखेंगे कि वो ज़्यादा एक्टिव है कि नहीं है, मतलब कितना टाइम लगा रही है वो जो वैक्सीन है वो उस वायरस को मारने के लिए कितना टाइम लगा रही है, जो उसका रेट ऑफ किल होगा या रेट ऑफ इनहिबिशन होगा वो कितना है, हम वो देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारी वैक्सीन हमने जो बनाई है वो साइड इफ़ेक्ट में है कि नहीं है, मतलब साइड इफ़ेक्ट में सिंपली साइड इफ़ेक्ट लोगों के वॉमिटिंग, नोसिया, हेडेक ही होता है, लेकिन हर एक कंपाउंड का जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जो मेन साइड इफ़ेक्ट होते हैं हमें एग्जाम में वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, नोसिया हो गया, ये सब तो लिख देते हैं साइड इफ़ेक्ट में, लेकिन हमें वो साइड इफ़ेक्ट लिखना, इनके साथ वो पहले साइड इफ़ेक्ट लिखना चाहिए जो उस ड्रग से ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सब में ही होता है, लेकिन जो उस मेन ड्रग से हो रहा है हमें पहले उसके बारे में, उस साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताना चाहिए। उसके बाद ये स्टडी होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, मेटाबॉलिज्म का, एक्सक्रीशन का उस ड्रग के, जो वो जो ड्रग जाती है बॉडी में। जैसे हमने इसमें हम स्टडी करते हैं कि जो हमने ड्रग बॉडी में दी, मान लीजिए अगर हमारी ये बॉडी है, ये हमारी एक बॉडी है, इसमें हमने ये ड्रग दिया, ये हमारा ड्रग है, जब ये ड्रग इसमें गया, मतलब यहाँ पे जब ये ड्रग आया, तो क्या हम देखेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है, मतलब ये कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मतलब जो इसके वेन्स हो गए, नर्व्स हो गए, इनमें ये पहले हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, पहले माउथ से जाएगी, माउथ से डिस्ट्रीब्यूट होते होते ये फिर पूरा GIT ट्रैक्ट में फैलेगी, GIT ट्रैक्ट में जो हमारे इंटेस्टाइन हो गए उसमें जाएंगे, उसके बाद ये लीवर तक में पहुँचेंगे, मतलब जो हमारे
ये ब्लड वगैरह इन सब के संग जो हमारी हो रही है उसके साथ। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, उसका ये कैसे मेटाबोलाइज हो रही है। जब मेटाबोलाइज हो जाएगा, जब उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसके बाद फिर हम उसका एक्सक्रीशन देखेंगे कि जो हमने जो ड्रग लिए वो बॉडी से बाहर भी निकलेगी। ऐसा नहीं है कि जो ड्रग हमने ली वो बॉडी से बाहर नहीं निकलेगी, बॉडी से बाहर निकलेगी पर वो किस वे में निकलेगी हमें उसकी भी स्टडी जो है हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री में ही करनी पड़ती है। उसके बाद अब आता है हमारा ड्रग। ड्रग क्या होता है? ड्रग जो है हमारा ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और बायो मॉलिक्यूल्स होता है जो एक्टिवेट करता है या इनहिबिट करता है फंक्शन ऑफ अ टारगेट। जो हमारा टारगेट है, मान लीजिए अगर हमारा ये टारगेट है, ये जो है हमारा टारगेट है, इसके जो फंक्शंस होते हैं ये इसको या तो एक्टिवेट करेगा या तो इसको इनहिबिट कर देगा विथ बेनिफिट टू द पेशेंट, जो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होगा। मान लीजिए अगर हमारा ये वाला जो पार्ट है, हमारा जो टारगेटेड साइट है, ये हमें पेन दे रहा है, तो हम जो ड्रग लेंगे वो उस पेन को इनहिबिट करेगा। ठीक, वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि जो पेन है वो रुक जाए। पेन रुक जाएगा तो हमें फिर इसकी देखेंगे कि पेन रुक गया तो हमें फिर आराम मिलेगा। अगर ये यही यहाँ पे अगर हम मान ले कि यहाँ पे हमारे पास दो टारगेटेड साइड है, ठीक, इसमें हमें पेन हो रहा है और ये टारगेटेड साइड क्या कर रहा है, ये टारगेटेड साइड एक्टिवेट हो रहा है और वहाँ पे सिग्नल भेज रहा है कि नहीं भाई तुम बस कर जाओ, तुम यहाँ पे पेन मत करो। ये चीज़ बता रहा है कि जो चीज़ पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होगी, जो ड्रग होता है हम उस लिए उन्हीं ड्रग को प्रिपेयर करते हैं जो पेशेंट के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल होती है। इसके बाद हम इसका पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसकी पढ़ते हैं कंपाउंड्स और ड्रग जो क्लासिफाई होता है ओरिजिन के बेसिस पे, कि मतलब जो कैसे जो हमारा ड्रग है वो ओरिजिनेट हुआ है, वो ड्रग जो है वो हमने कैसे बनाया। तो ड्रग तीन टाइप से बनाए जाते हैं, नेचुरल कंपाउंड से, सिंथेटिक कंपाउंड से, सेमी सिंथेटिक कंपाउंड से। तो नेचुरल कंपाउंड्स में क्या हो गया, नेचुरल कंपाउंड्स में जो मटेरियल्स हम ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, इसमें जो मटेरियल्स होता है वो एनिमल्स से भी आते हैं और प्लांट्स से भी आते हैं। ठीक, तो वो ड्रग्स जो हम एनिमल या प्लांट सोर्स से बनाते हैं वो हमारा नेचुरल कंपाउंड्स में आता है। इसके एग्जांपल जैसे आपके विटामिन्स हो गए, हॉर्मोन्स हो गए, ये आपके इसके एग्जांपल हो गए। उसके बाद आपका आता है सिंथेटिक कंपाउंड। कि सिंथेटिक कंपाउंड क्या आता है, जब प्योर सिंथेसाइज हो या सिंथेसाइज क्या हो नेचुरल अकरिंग कंपाउंड से। मतलब कि अब मान लीजिए मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कोकेन वाला, कोकेन जैसे आप जानते हैं कि कोकेन एक ड्रग होता है, नशीली ड्रग होती है। तो कोकेन क्या होता है, मतलब ये आपको साउथ अमेरिका में कोकेन की मतलब फार्मिंग की जाती है। तो वहाँ पे पहले लोग समझा करते थे कि इससे हमें ताकत मिलती है कोका के लीप से, लेकिन बाद में बताया गया कि नहीं, इससे ताकत नहीं मिलती, ये हमारे माइंड को मतलब वीक करता है, जो हमारे माइंड का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये इसको डिप्रेस कर देता है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, कोकेन के लीव्स में से जो नेचुरल अकरिंग जो प्लांट था, नेचुरल अकरिंग प्लांट है, इसमें से उन्होंने सिंथेसाइज किया कोकेन, इस कोकेन के कोका प्लांट्स में से कोकेन को अलग कर दिया और प्लांट्स अलग कर दिए। वो जो कोकेन अलग किया उसको उन्होंने फिर ड्रग के वेज में लेने लग गए। और जैसे ये जो कोकेन ड्रग होगी, कोकेन हो गया, मोरफाइन हो गया, ये सब आपके जब किसी भी चीज़ का ऑपरेशन हो रहा होता है तो उसमें आपको ये नशे के लिए दिया जाता है, कि मतलब आप बेहोश हो जाए, बेसिकली ये बेहोशी के लिए दिया जाता है, क्योंकि आपका उस टाइम जो CNS होते हैं वो डिप्रेस्ड हो जाता है, आपका ब्रेन फंक्शनिंग नहीं करता है। तो सिंथेसाइज कंपाउंड क्या हो गया, या तो वो प्योर सिंथेसाइज हो या उसको हमने किसी नेचुरल कंपाउंड से सिंथेसाइज करके निकाला हो। तो वो इसका एग्जांपल में आपका कोकेन मैंने बता दिया, मोरफाइन हो गया। इसके बाद आता है आपका सेमी सिंथेटिक कंपाउंड। इसमें क्या होते हैं, इसमें जो कुछ कंपाउंड्स जो होते वो ना तो पूरे सिंथेसाइज होते हैं और ना ही वो नेचुरल सोर्सेस से आइसोलेट किए जाते हैं। इसलिए जो ये नेचुरल इंटरमीडिएट जो होते हैं ऐसे ड्रग्स के, वो इस्तेमाल किए जाते हैं सिंथेसिस करने में, डिराइव्ड सिंथेसिस ऑफ अ डिराइव्ड प्रोडक्ट, जो हमारे जो हमने ड्रग ये फॉर्म किए उसको
ड्राइव करने में, उसके ड्राइव प्रोडक्ट्स को सिंथेसाइज में से निकालने में। जैसे मान लीजिए अगर हमने पेनिसिलिन बनाया, ठीक, पेनिसिलिन बनाया, तो पेनिसिलिन में, पेनिसिलिन एक खुद सिंथेसाइज ड्रग है। अब इस सिंथेसाइज ड्रग में से भी अगर हम, इस सिंथेसाइज ड्रग में से भी अगर हम इसके डेरिवेटिव्स निकाले, जो हमारा कंपाउंड है इसमें से भी अगर हमने डेरिवेटिव निकाला, तो ये आपका सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन बना कहा जाएगा, और ये आपका सेमी सिंथेटिक कंपाउंड्स जो है उसमें आता है। उसके बाद होता है क्या, उसके बाद आता है आपका ड्रग क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेडिसिनल यूज़। इसमें आपका फार्माकोडायनामिक्स एजेंट और केमोथेरेपेटिक एजेंट्स आते हैं। ये एक्ट करते हैं वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ बॉडी के, बॉडी के जो बहुत से फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उनमें ये एक्ट करते हैं। जैसे कि आपका सेडेटिव हो गया एग्जाम्पल में। केमोथेरेपी क्या हो गया, ये फाइट करते हैं अगेंस्ट पैथोजन, पैथोजन के अगेंस्ट फाइट किए करते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको इस वीडियो से कुछ आप इस वीडियो से कुछ समझे, और इसके नोट्स जो है आपको हमारी वेबसाइट की लिंक पे मिल जाएगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि कैसा है। कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप बताएं, हम आपको एक दो दिन में इसकी हिस्ट्री और जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ है हम उसकी वीडियो भी जल्द अपलोड करेंगे। थैंक यू।